सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बात करता हूँ, हमारा सिलेबस क्या क्या रहेगा। यदि हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा सिलेबस रहेगा, सब बायर सेलर का, यहाँ पे सेलर और बायर दो पार्ट में रहेंगे। तो यदि सेलर के बारे में बात करते हैं तो सेलर में सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताएंगे। जो साइन अप करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं बायर और सेलर। तो सबसे पहला सेलर का, तो सेलर का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, सेलर को दो पार्ट में हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेन बेस्ड आधार बेस्ड। तो दोनों प्रोसेस को हम यहाँ पे बताएंगे। कुछ चीजें लाइव नहीं हो पाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमेशा, एक बार पैन कार्ड आपने रजिस्टर कर दिया तो दोबारा नहीं कर सकते। तो जहां तक हम लाइव जा सकते हैं वहां तक मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन के बाद आप जैसे लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन होने के बाद आपका प्रोफाइल आता है। तो वहाँ पे प्रोफाइल मैनेजमेंट में आपका क्या क्या रहता है, आपका पैन कार्ड अपडेट, कंपनी का नाम अपडेट करना, जीएसटी नंबर, एड्रेस अपडेट करना, डीओपीपी ऑर्डर नंबर, उद्यम या उद्योग आधार अपडेट करना, आईटीआर अपडेट करना, ये सब जो भी आपके प्रोफाइल मैनेजमेंट में रहेगा, ये प्रोफाइल मैनेजमेंट में कैसे ये सबको अपडेट करते हैं हम आपको वन बाय वन बताएंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग माय एक्सेल पे। यदि हम यहाँ पे लॉग इन करके मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये आपका जो प्रोफाइल का मेंटेन था, ये प्रोफाइल कैसे आपको कंप्लीट करना है, पेन, कंपनी डिटेल्स, ऑफिस लोकेशन, बैंक अकाउंट, ई इनवॉइस डिक्लेरेशन, एमएसएमई और स्टार्टअप, ये आपको कैसे करना है कंप्लीट। डीओएस ऑर्डर कंप्लायंस, इसके बारे में हम बताएंगे और इसको कंप्लीट कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। टैक्स असेसमेंट, जहाँ पे आईटीआर रहता है, आईटीआर को आप कैसे कंप्लीट करेंगे। सेकंड नंबर टैब है मेरा माय एक्शन, जिसमें दो पार्ट है, वेंडर असेसमेंट, रीसेलर पेन। वेंडर असेसमेंट मतलब आप कोई भी कंपनी के प्रोफाइल या फिर जेन्युइन बायर हो सकते हैं, सेलर हो सकते हैं, तो इसको वेंडर असेसमेंट बोलते हैं। तो वेंडर असेसमेंट के क्या चार्जेस हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और आप इसको कैसे कर सकते हैं। रीसेलर पैनल, जब भी कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे आप पूरा डायरेक्टली जेम पे नहीं बेच सकते, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑथराइज डीलर होना पड़ता है। वो ऑथराइज डीलर आपको उसका एक कोड मिलता है, वो कोड आप जब तक नहीं डालेंगे रीसेलर पैनल में तब तक पर्टिकुलर उस ब्रांड का प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाएंगे। तो ऐसे कौन से ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाएंगे, या फिर ऐसे कौन से कैटेगरी है जिसका प्रोडक्ट आप विदाउट रीसेलर पैनल नहीं बेच सकते, और रीसेलर पैनल में आप अपडेट कैसे करेंगे। रीसेलर पैनल का और एक लिंक है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के लिस्ट में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं और क्वाड्रेंट का जो प्रोडक्ट है या कैटेगरी है उसको कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद आते हैं पर्सनल सेटिंग, जहाँ पे सेलर प्रोफाइल, पासवर्ड को कैसे बदल सकते हैं, ईमेल आईडी कैसे बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट को आप क्लोज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग माय टीम, जहाँ पे सेकेंडरी यूजर। सेकेंडरी यूजर मतलब जैसे देखो यहाँ पे जेम पे कैसा है, यदि आप खुद का एक लॉग इन आई डी बनाए हुए, जैसे मैंने ये लॉग इन आई डी मैंने बनाया, ये लॉग इन आई डी यदि मैंने लॉग इन आई डी और पासवर्ड से मैं अभी लॉग इन हूँ, तो मेरा कोई भी दूसरे सिस्टम पे यदि मैं सेम लॉग इन आई डी और लॉग इन से लॉग इन करता हूँ तो ये लॉग इन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक आईडी से एक ही कंप्यूटर में एक साथ एक्सेस हो सकता है। तो यदि मुझे मल्टीपल सिस्टम में एक साथ मुझे मेरा अकाउंट एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकेंडरी यूजर बनाना पड़ेगा। तो सेकेंडरी यूजर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको डिस्कशन करूंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे सब शॉर्ट में बता रहा हूँ, सब हम लोग वन बाय वन अच्छे तरीके से हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग काम करेंगे कैटलॉग। कैटलॉग में दो पार्ट है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट में भी यदि हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम तीन तरीके से प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। कैसे, एक नया प्रोडक्ट, पूरा का पूरा नया प्रोडक्ट बनाना, कोई भी प्रोडक्ट को क्लोन करना मतलब हम लोग उसको कॉपी करना, और थर्ड है पेयरिंग। तो पेयरिंग कैसे करते हैं, पेयरिंग किसको बोलते हैं वो हम लोग बोलेंगे, बात करेंगे। वो क्लोनिंग का ही थोड़ा पार्ट है, बट पेयरिंग है क्या चीज ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन। सेकेंड पार्ट है सर्विसेज। तो सर्विसेज का आप कोई भी सर्विसेज में कैसे अपने चीज को, कोई भी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
ये आ गया हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके बाद आएंगे हम लोग ब्रांड के ऊपर। आपको यदि आपका ब्रांड नहीं दिख रहा है तो आप अपने ब्रांड को यहाँ पे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है आज तक में। अभी यदि हम दिसंबर 2020 की बात करेंगे तो टोटल मार्केट में 16 लाख कुछ प्रोडक्ट पब्लिश हो चुके थे, 16 लाख, पर अभी भी पूरे प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आए। तो यदि कोई मार्केट में प्रोडक्ट नहीं आया है उसके लिए आपको रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RMS, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो RMS के थ्रू से आप कोई भी कैटेगरी को कैसे यहाँ पे GM पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो वो भी हम बताएंगे, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेस हो। जो मार्केट में ऐसे सर्विसेस नहीं है या प्रोडक्ट नहीं है उस कैटेगरी का रिक्वेस्ट कैसे GM को भेज सकते हैं ताकि आगे आपका वो कैटेगरी डिस्प्ले होना चालू हो जाए। फिर हम लोग बात करेंगे PR, परचेज इक्विजिशन। परचेज इक्विजिशन क्या होता है और परचेज इक्विजिशन में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। बिड, यदि हम यहाँ पे बिड की बात करेंगे तो बिड अभी टोटल 6 टाइप के बिड्स होते हैं। कैसे बिड, जो यहाँ पे सिंगल दिख रहा है ये नॉर्मल बिड है, मतलब कोई भी सिंगल प्रोडक्ट का बिड। सर्विसेज बिड, मतलब यहाँ पे सर्विस के बिड्स रहेंगे पर यहाँ पे सिंगल सर्विसेज के। बंच प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट जब रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बंच प्रोडक्ट, बंच बिड। सर्विसेज में भी एक से ज्यादा सर्विसेज रहेगा तो बंच सर्विसेज हो जाएगा। बिड टू आरए, कोई कोई टेंडर टेंडर में बिड में निकलने के बाद यहाँ या यहाँ निकलने के बाद वो बिड से रिवर्स ऑक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो रिवर्स ऑक्शन क्या होता है हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो और बिड से आरए में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कैसा होता है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आएंगे हम लोग कस्टम बिड। तो कस्टम बिड में आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है वो भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कस्टम बिड का कैटलॉग कैसे बनाना है, कस्टम बिड में पार्टिसिपेट कैसे करना है। कस्टम बिड में जनरली कौन सा टेंडर आता है, जो मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है उसका टेंडर कस्टम बिड में आता है। और अभी एक नया टेंडर आया है BOQ, वो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए ही। तो प्रोडक्ट के टेंडर में BOQ का टेंडर में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग बिड में बताएं। ये हो गया बिड्स के। उसके बाद ऑर्डर्स, यदि आपको कोई ऑर्डर्स आते हैं तो उसका इनवॉइस बनाना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इनवॉइस बनाया है, ये डायरेक्ट ऑर्डर है, फुलफिल्ड इन प्रोग्रेस, देखो इसका ऑर्डर बनाया है। ऑर्डर प्लेस होता है, ऑर्डर एक्सेप्ट होगा, ऑर्डर डिस्पैच होगा, फिर बायर ऑर्डर को रिसीव करेगा और फिर पेमेंट होगा, तो यहाँ पे पूरा ग्रीन टिक आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और यदि कोई इनवॉइस बनाना है तो उसका इनवॉइस कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ये हमारा पूरा प्रोसीजर रहेगा सेलर के ऊपर। किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है सेलर के पार्ट में तो मुझे पूछ सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोग बायर के सिलेबस में बात करेंगे। हाँ मनीष सर बोलिए। सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे हम सिस्टम इंटीग्रेटर हैं, हम OEM के थ्रू माल जो है वो सेल करते हैं या फिर हमारा काम बेसिकली टेंडर का है। हाँ रीसेलर हो आप। हम रीसेलर हैं, हमें रीसेलर में मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना है। ओके यही पूछ रहा था। हाँ नहीं आप करेंगे सर, यहाँ पे दो पार्ट है, रीसेलर और एक OEM, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सर एक चीज और थी सर, जैसे कि हम सिस्टम इंटीग्रेटर तो हमारे पास मतलब कि काफी सारे प्रोडक्ट हैं, लगभग 100 के आसपास प्रोडक्ट हैं, तो वो सारे कैसे लिस्टेड होंगे? और जैसे कि हर एक, मैं अगर CCTV की बात करूं तो हर एक CCTV में स्पेसिफिकेशन अलग अलग है, अलग अलग होंगे, बराबर है। तो उन सबका अलग, मतलब जब कैटलॉग बनाएंगे अलग कैटलॉग बनेगा, सबका अलग बनेगा, अलग कैटलॉग बनेगा। अच्छा ओके सर। मेहता कयूर सर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। BOQ नहीं समझा मैं। BOQ का एक अभी नया चालू हुआ है, पिछला 2 महीना हो गया अभी। जैसे आप लोगों ने, आपने या आप सभी ने अभी ई प्रोक्यूरमेंट में टेंडर भरा है क्या? ई प्रोक्यूरमेंट के साइड में टेंडर भरा है ना? सर, काफी सारे भरे हैं, काफी सारे भरे, बराबर है ना? तो वहां पे कैसा टेंडर होता है, एक्सेल का फाइल मिलता है आपको और वो एक्सेल के फाइल में रेट डाल के आपको अपलोड करना पड़ता है। सेम BOQ का टेंडर भी यहाँ पे वैसा ही रहेगा। हम लोग आगे इसके बारे में और डिटेल्स में जब BOQ का टेंडर भर के दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। बट सर प्रोडक्ट्स कौन से होंगे BOQ? कोई भी हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, CCTV कैमरा हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, माउस हो सकता है,
सोलर पैनल हो सकता है, लाइट फिटिंग हो बट सकता ये सब प्रोडक्ट तो वैसे भी मार्केट में है, तो है। हाँ, उनके जब मार्केट में टेंडर रहने की बात निकलते नहीं, उनके बराबर है, और वो बीओक्यू उनके के थ्रू टेंडर से मिल। निकलते तो उनके टाइटल में आता है कि हाँ, टेंडर यहाँ पे फॉर सोलर पैनल है। बराबर है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ बीओक्यू मिलेगा। यदि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एनी थोड़ा देखना चाहते पर्टिकुलर हैं, रीजन? रीजन ऐसा नहीं है, रीजन बोलने के लिए ऐसा कुछ हम नहीं बोल सकते। यहाँ पे जो बीओक्यू के टेंडर है इस तरीके से आपको दिखते हैं, बीओक्यू बोल। अब इसके हाँ अंदर करेक्ट क्या करेक्ट है करेक्ट। चीज, ये तो बताना बड़ा मुश्किल होता, तो इसके लिए मुझे ये टेंडर डाउनलोड करना। ये टेंडर को मैंने डाउनलोड किया और फिर इसको हम लोग यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से भी नहीं पता चलता, यहाँ पे बीओक्यू डॉक्यूमेंट्स आपको दिखता है। ये फाइल को आपको डाउनलोड करो, एक्सेल का फाइल एक डाउनलोड होता है। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, मैं स्क्रीन पूरा शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्सेल का एक एक्सेल का फाइल डाउनलोड होगा। जब ये एक्सेल का फाइल डाउनलोड होगा तो आपको पता चलेगा इसमें प्रोडक्ट क्या क्या है। तो देखो इसमें प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल, इतने सारे प्रोडक्ट का है। अभी जब तक सिर्फ बीओक्यू से अपने को ये पूरा डिटेल्स कंफर्म नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये एक बीओक्यू का है, ये सेटिंग के लिए काफी काम आएगा, तो मैं आपको आगे भी डिस्कशन करूंगा। यदि आपके बायर के साथ अच्छी पहचान है तो बीओक्यू में कैसे टेंडर निकालने का है, जो आपके लिए काफी अच्छा है। लोगों को पता नहीं चलता टेंडर किस चीज का है और इजीली टेंडर आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी हम लेते हैं, श्री लक्ष्मी। थैंक यू सर। यस सर, हाँ बेटा। बेसिकली हमारा जी हम सेलर्स हैं एंड हम टेंडर्स वगैरह पे पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ एंड ओईएम मींस जो बाहर जर्मनी एंड बाहर के जो कंट्रीज है वहां से इंपोर्ट कराते हैं, एंड जो कोस्ट गार्ड है वो मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम सप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब उसका टेंडर लॉन्च होता है तो हमें इंडिकेशन तो मिल जाता है मेल के थ्रू, लेकिन जब मैं बिट के लिए सर्च करती हूँ तो मुझे वो शो नहीं करता है। एंड सेकेंड टाइम मैं कस्टम बिट पे जाके अगर सर्च करती हूँ तब वो शो करता है। उसके बाद जैसे अच्छा। आपने दिखाया था वैसे ही मैं डॉक्यूमेंट डाउनलोड करती हूँ। उसके बाद उसके अंदर में अभी आपने जो दिखाया बीओक्यू डॉक्यूमेंट में व्यू फाइल, वो मुझे नहीं मिलता है, वो एक्सेल मैडम शीट नहीं मिलता है। ये इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपका जो बीड है वो कस्टम बीड है। हम अभी बात कर रहे ओके थे बीओक्यू बीड्स की, आपकी जो बीड आएगी कस्टम बीड में आएगा। यहाँ ये है आपका कस्टम बीड, इसके चीजें अलग है। एक एक बीड के साथ दूसरे बीड को हमारा सबका प्रोसेस अलग है। नॉर्मल बीड का प्रोसेस अलग होगा, सर्विस बीड का भरने का अलग होगा, कस्टम बीड का अलग होगा, बीड टू रिवर्स ऑप्शन का अलग होगा, बीओक्यू का टेंडर भरने का तरीका अलग होगा। तो हम हर एक टेंडर का आपको बताएंगे एक एक करके। आपने अभी जो एक फाइल दिखाया वो कस्टम बिट का ही था ना सर, नहीं कस्टम कस्टम बीड फाइल? का नहीं था, वो बीओक्यू का। ओके ओके ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ये है कस्टम बीड, ये वाला है कस्टम बीड। अभी आपको जो मैं दिखा, इसके स्पेसिफिकेशन ओके देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकेशन का मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन बायर को रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको ऐसा पीडीएफ में मिलता है, बायर को ये सही राइट स्पेसिफिकेशन जी। ये लेकिन होते। आज तक मुझे कभी भी लिस्ट ऑफ आइटम्स नहीं मिले हैं, उसमें जस्ट वो डाउनलोड एक लिंक होता है, उसमें जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है जो बराबर है मैडम, इक्विपमेंट वगैरह। क्योंकि आप जो बीड भरते थे वो सिंगल आइटम का भरते थे, मल्टीपल नहीं, आइटम का। मल्टीपल मल्टीपल आइटम्स भरे हाँ भरा है मल्टीपल हमने, आइटम का बट भरेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टम बीड में आपको दिखेंगे ना मैडम वो पीडीएफ फाइल पूरा। जैसे कि पीडीएफ अभी मैंने दिखता है देखो, सर हाँ जैसे कि मैंने जी। अभी एक डाउनलोड किया अभी आपके सामने इंस्टॉल लिस्ट, देखो यहाँ पे आपको पूरे सब डिटेल्स मिल गया, आपने को दिख रहा है ना। तो ये कस्टम बीड मतलब जब कस्टम बीड में कस्टम बंच बीड निकलेगा तो आपको इस तरीके से नजर आ सकता। बट मैंने कस्टम बिड में भी पार्टिसिपेट किया था 56 लाइन आइटम्स के, उसमें भी मुझे जस्ट एक डाउनलोड लिंक दिया गया था। वो उस लिंक पे जैसे क्लिक करूँ तो वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट कौन से हैं, मतलब जो पूरा इक्विपमेंट होता है ठीक है जैसे ठीक है कि ठीक है, मैं समझा मैडम पंप आपका। हाँ अभी देखो जी क्या होता है, अभी जैसे ये कस्टम बिल्ड, अभी यहाँ पे टेंडर, इसके टोटल टेंडर कितने हैं, 11 आइटम के टेंडर, जी पर यहाँ पे क्या किया उसने, सबको एक साथ मर्ज कर दिया गया, अलग अलग नहीं ओके है एक ही है। अभी सबका आपको रेट, सबका एवरेज रेट आपको यहाँ पे डालो। आगे जब आपको रेट डालने को मिलेगा, मैं एक ले लेता हूँ कोई सा भी आइटम,
और फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो आपको यहाँ पे हर एक आइटम का रेट अलग अलग डालने को नहीं मिलेगा, सिंगल सिंगल डालने को। तो यहाँ पे यूनिट प्राइस सिंगल आ रहा है आपको हर एक आइटम का अलग। ये डिपेंड करता है बायर के ऊपर, बायर किस तरीके से टेंडर निकालता है। जैसा बायर टेंडर निकालेगा आपको उस तरीके से भरना है। तो मैं आपको ये डिटेल्स में बताऊंगा आगे, जो किस तरीके से आपको इसमें काम करना है और आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके ठीक है सर। नेक्स्ट लेता हूँ समीर सर। हाँ सर, मुझे पूछना था कि इसमें बायर कौन रहता है। बायर जो ऑर्डर्स देंगे, जनरली बायर्स यहाँ पे गवर्नमेंट्स के लोग रहते हैं। एज ए प्राइवेट को यहाँ पे एज ए बायर का रोल यहाँ पे नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ही यहाँ पे बायर होंगे। सिर्फ गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट बायर यहाँ पे, सिर्फ गवर्नमेंट ही होंगे। सेलर दोनों हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकता है प्राइवेट भी हो सकता है सेलर, पर बायर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट ही होंगे। तो मेरा जैसे अभी लाइसेंस का बिजनेस है, तो इसमें तो मेरा किस चीज का लाइसेंस, जैसे गवर्नमेंट के लाइसेंस हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया। हाँ, मतलब आप क्या अगर लाइसेंस निकाल के देते। हाँ, लाइसेंस निकाल के देता, तो इसमें मेरा तो फायदा नहीं होगा इसमें कुछ। नहीं, आपको इसमें फायदा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं। हाँ, वही गवर्नमेंट के अगर लोग खरीद रहे तो मेरा सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर एक हो सकता है। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर जो आप मार्केट में गवर्नमेंट को बेचते हो आप वही दे सकते, बाकी की चीजें क्या नहीं, वो सर्विसेज आपको फिलहाल तो अभी अवेलेबल नहीं है। इन फ्यूचर यदि अवेलेबल होता है तो आप उसमें काम कर पाएंगे। तो जितने प्रोडक्ट रहेंगे उसको डिस्प्ले करने के लिए कुछ रहता है जिन पोर्टल पे, उसको ही बोलते हैं कैटलॉग। इसको यही है कैटलॉग। हम लोग कैटलॉग के बारे में जब आगे डिस्कस डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके थैंक यू सर। बाकी आप यदि जैसे कि आप अभी तक लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे थे लोगों को, ऐसे आप जेम पे लोगों को टेंडर भर के सर्विस दे सकते हो प्राइवेट स्तर पे लोगों को, टेंडर यहाँ रजिस्ट्रेशन करके दे सकते हो। और आज के डेट में जेम का डिमांड आपको पता है, ई प्रोक्योरमेंट का जितना डिमांड नहीं है उसका 10 गुना डिमांड जेम का है। तो ये एक आपके लिए एक अच्छा बिजनेस प्लस पॉइंट हो जाएगा, जो बिजनेस को आपको आगे ग्रो करने के लिए। विशाल सर। आदित्य सर। हाँ बोलिए विशाल। जानकारी में ये चाह रहा था आपसे कि जैसे मैं बेसिकली आर्मी के लिए काम करता हूँ। Okay. अभी तक अपने को मतलब रेजिमेंटल फंड से काम हो जाता था सारा, बट अब जब ये जेम का इशू आया है तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के काम करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का हो गया, फर्नीचर का हो गया, पैनल्स का हो गया, शीशों का हो गया। तो सर ये जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 प्रकार के काम आते हैं, तो क्या मैं ये 10 प्रकार के कामों के अलग अलग कैट अपलोड करके डायरेक्ट कर सकते? कोई प्रॉब्लम। और आदित्य सर जैसे अब 25,000 से ऊपर 5 लाख तक अगर वो है, तो क्या मुझे उसके अंदर वो L1 प्रोसेस जो अपना होता है उसका नॉलेज हमारे को यहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, वो सर देखो वो बायर का पार्ट नहीं है, वो एज ए सेलर का पार्ट है। तो जब हम बायर का पार्ट है, तो जब हम लोग बायर का सिलेबस अभी तक हम लोगों ने बताया नहीं, जब मैं बायर का सिलेबस बताऊंगा तो मैं उसको उसके बारे में उस डिटेल्स में बता, जो बायर के पार्ट में क्या क्या कवर होगा। राइट है, मतलब मैं अपने एंड से एज अ सेलर L1 के लिए प्रोसेस नहीं, कर सकता हूं? सेलर नहीं, ये रिस्पांसिबिलिटी किसका है? बायर। तो बायर के प्रोफाइल से ही होगा, सेलर के प्रोफाइल से नहीं। ओके। सेलर के प्रोफाइल से मैं बताऊंगा, पर आपको वो फिल नहीं आएगा और प्रॉपर नहीं होता। मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा, जो बायर और सेलर से दोनों से L1 करके बताऊंगा, पर प्रॉपर प्रोसेस बायर के प्रोफाइल से ही होगा, ना कि सेलर के। समझ गया सर, ठीक है। सुमित थैंक यू। सर मेरा एक क्वेरी था कि हमें OEM से ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट तो मिल गया सर, बट OEM इज रिलक्टेंट टू कम इन जेम पोर्टल एक्चुअली। तो काफी सारी जो हमें बिड रहती हैं जहां पे OEM ऑथराइजेशन चाहिए रहता है, मतलब तो वहां पे प्रॉब्लम आती है कि मतलब प्रोडक्ट ही नहीं, मतलब क्लोन ही नहीं हो पाता। क्लोन नहीं हो पाता मतलब क्या प्रॉब्लम? मतलब क्लोन तो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि OEM ने बनाया हुआ रहता है, OEM ने रेस्ट्रिक्शन करके रखा है। हाँ, तो आपको मैं आपको उसके लिए बताऊंगा, यदि आपको उसका ऑथराइजेशन नंबर मिला है। हाँ, नहीं ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिला है सर? नहीं, ऑथराइजेशन नंबर चाहिए। ओके। ऑथराइजेशन नंबर उनको आप जिनसे आपने ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिला है उनको बोलने का, मुझे इस कैटेगरी का जेम का ऑथराइजेशन नंबर चाहिए। अच्छा, वो अगर जेम में आना ही नहीं चाह रहे हैं सर? तो मैं उसके लिए प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा अलग से।
यदि जेम पे वो आना नहीं चाहता है तो उनके बिहाफ में आप जेम पे आ सकते हो। हाँ हाँ सर जी जी वो मैं बताऊ जी थैंक यू माने सर। सर एक जेम पर EAN नंबर होता है सर, वो किस काम आता है? EAN नंबर हाँ, जब हम कैटलॉग आप अपलोड करोगे तो उसमें सेकंड कैटेगरी जो आती है EAN नंबर की आती है। हाँ सर बताएं। EAN नंबर देखो पहला तो लोगों को जिनको पता नहीं है, देखो यहाँ पे जेम पे थोड़ा सबको पता होता है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, बाद में डिटेल्स में भी बताऊ, इसलिए एक एक क्वेरी पहले यहाँ पे खत्म करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप कोई भी कैटेगरी को चूज करते हो यहाँ पे एक EAN नंबर मिलता है। कोई भी कैटेगरी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अलमीरा एड आइटम सेकंड नंबर टैब पे आपको एक EAN नंबर, तो EAN नंबर यहाँ पे एक रहता है EAN ऑटो क्रिएट कैटलॉग बोलते इसको, है ना। EAN नंबर होता है ये आपका बारकोड, कोई भी प्रोडक्ट का एक बारकोड होता है, बारकोड आप देखेंगे तो इसको बारकोड बोलते हैं। ये जो बारकोड होता है, ये बारकोड में जो नंबर होता है, यदि इस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, ये जो डिटेल्स है ये डालना पड़ेगा मैनुअली, तो यदि ये बारकोड का नंबर है तो आप डायरेक्टली 13 डिजिट का बारकोड का नंबर डाल दो, ऑटोमेटिकली इसके जो स्पेसिफिकेशन का डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाता है। मैं आपको आगे करके भी बताऊ, ठीक है? ओके सर। सर बीच में नहीं, मैं हैंड रेज वाले को एक एक करके क्वेरी लूंगा, आपकी क्वेरी है आप हैंड रेज करके छोड़ो। नितिन सर, नितिन सर का हो गया सर ना, नितिन सर आपका हो गया, नितिन सर यस सर, नितिन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। व्हाट आई एम फीलिंग कि अभी ऑलरेडी जो टेंडर्स भर चुके हैं एंड दोज हु आर अवेयर ऑफ दिस प्रोसेस उसके हिसाब से चल रहा है एंड वी आर द न्यू पीपल एक्चुअली वी हैव नेवर सीन एनी टेंडर। सर 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 सिर्फ मैं अभी थोड़े एक बेसिक लेवल पे क्वेरी को सॉल्व कर रहा हूं। यस यस ठीक है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये जरूरी इसलिए होता है हमारे बैच में, क्या होता है नहीं तो मैं अभी जैसे पढ़ाना चालू करूंगा ना लोगों के क्वेरी बीच में आना चालू हो जाएगा और टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहेगा। मैं यदि अभी पढ़ा रहा हूँ कैटलॉग का तो लोग भीड़ से कुछ क्वेरी पूछेंगे, बिल्कुल, इसीलिए सिर्फ जो लोग एकदम फ्रेशर है बिल्कुल पता नहीं है उनके लिए अभी थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे टप जाएगा, इसलिए मैं पहले जो लोगों को थोड़ा पता है उनका एक बेसिक क्वेरी पहले सॉल्व कर रहा हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, हम लोग एकदम बेसिक से ही जाएंगे, आप उसके लिए टेंशन मत। बस बस यस यस ओके ओके वही मेरा कंसर्न था, ठीक है थैंक यू। इसलिए देखो यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बेसिक क्वेरी उनको सिर्फ yes, पूरा yes. दे दो, ठीक है फिर आंसर। और सर अगर मैं टायर एंड बैटरीज में डील करता हूँ, आई मीन ऑटोमोबाइल लाइन, ओके यस, तो उसके लिए भी मुझे ऑथराइजेशन वगैरह लगेगा क्या कंपनी का? सब के लिए डीलरशिप सर्टिफिकेट लगेगा, लगेगा ओके ठीक है सर ओके किरण थैंक यू। यस सर हेलो। हां बोलिए सर। ये जो बीओक्यू है ना सर, जो ई प्रोसेसर में आता है सीटीपल के, तो क्या बोले सर जो बीओक्यू है ना सर जो सीटीपल वेबसाइट में आता है वहां पे जो टेंडर चलते हैं क्या वो भी यहां पे आएंगे इसका जेम के बीओक्यू में? जेम नहीं, समझा नहीं मैं आपकी क्वेरीज, मुझे क्लियर समझ में नहीं आई सर। जो ई प्रोक्योरमेंट जो वेबसाइट पे जो टेंडर आते हैं ना सर? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ई प्रोक्योरमेंट कवर नहीं करता, यहाँ पे ओनली जेम कवर होगा, ई प्रोक्योरमेंट का अलग से है कोर्स। हाँ सर, नहीं मैं जो पूछ रहा था जो ई प्रोक्योरमेंट के टेंडर जो आते हैं ना सर, इसमें बीओक्यू आपने बताया था बीओक्यू के बारे में, तो वो यहाँ पे दिखेंगे क्या सर? नहीं 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 नहीं, देखते हैं पर यहाँ से आप भर नहीं सकते। सीपीडब्ल्यूडी के टेंडर आपको यहाँ पे दिखेंगे, जेम पे जाते हो आप डायरेक्ट, यहाँ पे सीपीपी टेंडर बोल के मिलता है, ये उसी के लिए बोला था। यहाँ पे आपको टेंडर दिखेंगे पर यहाँ से भर नहीं सकते। ओके ओके, वो तो उसका हमारा साइट पे जाना पड़ेगा। हाँ, ये प्रोक्योरमेंट के वेबसाइट से आपको जाना पड़ेगा। ओके ठीक है सर, ओके थैंक यू। क्या है इसका सम्राट सर, सॉरी आपका नाम थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा है, नाम को पहले मुझे करेक्शन कर। सम्राट ओके बोलिए। सम्राट अंबोरे। ओके ओके, अशोक सम्राट ऐसा है क्या? सर जी हम एक्चुअली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। ओके हाँ यस यस, वहाँ पब्लिक अवेयरनेस करना पड़ता है हमें हर सिटी में, तो वो सर्विसेज दे सकते हैं क्या जेम के सर्विसेज? नहीं अभी फिलहाल तो ऐसे सर्विसेज शायद नहीं है। और वैसा करना हो तो मैं आपको उसके लिए आरएमएस का पोर्टल बताऊंगा जो आप जेम को रिक्वेस्ट भेज सकते हो।
रिक्वेस्ट भेज सकते हो जेम को। पर आप जैजे ये करते हो ना सोशल के लिए करते हो ना? हाँ अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस। हाँ मतलब आप पेड रहता है क्या? हाँ। और गवर्नमेंट के तरफ से होता है या प्राइवेट सेक्टर? नहीं गवर्नमेंट के तरफ से। गवर्नमेंट के तरफ देखेंगे उसके सर्विसेज शायद नहीं है, तो उस सर्विसेज यदि ऐड करवाना है तो कैसे ऐड करवाने का प्रोसेस है वो मैं आपको बता। शायद अभी तो सर्विसेज नहीं है क्योंकि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल काउंसिल के अंडर काम करते हैं। बराबर है, पर उनके लिए अभी आपके पास दूसरा ऑप्शन है, बीड बना सकता है वो लोग, कस्टम बीड बना सकता है। कस्टम बीड? हाँ बीड बना सकता। कैसे? मैं बताऊंगा सर, वो जब मैं बायर के प्रोफाइल में जाऊंगा तो मैं बताऊंगा जो बीड कैसे क्रिएट करते हैं, कस्टम बीड तैयार कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। कैटेगरी वहां पे बनाने की जरूरत नहीं, वहां डायरेक्टली कस्टम बीड में टेंडर पब्लिश हो सकता है। यूनिवर्सल कैटेगरी में? यूनिवर्सल हाँ, नहीं 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 आपका सर्विसेज है ना तो आपको कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं होता है। बायर कैटेगरी, बायर सर्विसेज ऐड करेगा और उसके अकॉर्डिंगली बीड पब्लिश हो जाएगा। ठीक है चलेगा सर, ये इन डिटेल जब होगा तब देखेंगे। हाँ ये बायर के पार्ट में कवर होगा जब बीड बनाते कैसे। ओके हाँ मनीष सर, मनीष सर नेक्स्ट लेता हूं। तुहिन रंजन दास, दास सर नेक्स्ट। संदीप माने, माने सर। हाँ रितु जी मुझे ये पूछना था कि अपने जो रिलेटेड काम के है ना टेंडर्स वो किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं, कस्टम बिल में भी आ सकते हैं। हाँ, 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 आ सकता है, आ सकता है। तो कैसे ढूंढना है उसको वो इम्पोर्टेंट है, तो वो मुझे सीखना है। ओके ओके मैं देखो सर यहाँ पे बीओक्यू का तो आप ढूंढना बड़ा मुश्किल है, पर कस्टम बिल्ड में रहे या कहीं पर भी रहे आपके रिलेटेड टेंडर कैसे सर्च करना है ये मैं आपको बता दूं। मैडम बोलिए। श्री लक्ष्मी मैडम। यस सर, एक शेयर करके मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। शेयर करके जी ठीक है ना, आपको शायद परमिशन है क्या? देखिए जी एक मिनट सर, आपको दिख रहा है सर? नहीं अभी तक तो फिलहाल नहीं, नहीं मैं स्टॉप करता हूँ। यू आर स्क्रीन शेयरिंग से दिखा? हाँ अभी दिखा दिखा सर। ये हमारा जेम, हमारे जेम की मैंने ये करे लॉगिन किया मैंने, एंड ये जो जेम आईडी है ये मुझे शेयर किया गया था यहाँ से सिप्रो से, तो मैंने उसके थ्रू सर्च किया, देन पार्ट यहाँ से मैंने क्लिक किया, देन एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड हुआ जो कि ये मैंने ओपन करके रखा है। इसमें देखिए इसमें दिख रहा है कि बहुत सारे आइटम लिस्टेड, आइटम कैटेगरी है बहुत सारे, बराबर जी बहुत सारे हैं बंच बेड्स में। इसमें क्या है नीचे जब मैं जाती हूँ ये देखिए यहाँ पे सारे लिस्टेड हैं, बट इसमें कुछ भी आइटम के रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया गया है, और एक लिंक ऐसे आता है बायर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जब ये मैं क्लिक करती हूँ जस्ट मुझे यही डिस्क्रिप्शन मिलता है, मुझे ना आइटम का नाम पता चल रहा है, ना पार्ट नंबर, ना ही क्वांटिटी। ओके इसको थोड़ा नीचे लेंगे मैडम, ये सेम स्क्रीन। हाँ थोड़ा सा नीचे लीजिए, इसको पूरा मुझे डिस्प्ले कराइए। और कुछ है क्या? नहीं तो ओके ठीक है, नहीं इतना ही है। बीड पहले वाले टैब पे आइए जी। ये मेरे साथ अब तक मैंने जेम पे तीन कर चुके हैं, तीनों में मुझे सेम इश्यू आया था, और मैंने सिप्रो को मेल लिखकर उनकी को बनाया मंगाया था लिस्ट। अभी ये एक मिनट है मैं टेंडर का, मुझे ये आप लोग सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? दिख रहा है, अच्छी बात हुआ है कि मैडम ने ऐसे क्वेरीज को डाला है। ऐसा टेंडर आप कैसे भरोगे? यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं है, सिर्फ पार्ट नंबर है। ये क्या है? ये कोई प्रोडक्ट का एक पार्ट नंबर है,
34 पीसेस उनको चाहिए, सिर्फ पार्ट नंबर है और कुछ नहीं। मैडम एकदम इसको स्क्रीन को थोड़ा टॉप में लीजिए, मुझे फर्स्ट वाला पेज दिखाइए। और ये जो है ये शेड्यूल है मैडम, ये प्रोडक्ट एक ही है, ये शेड्यूल्ड है। यदि आप नीचे देखेंगे इसका शेड्यूल्ड वाला, इसके नीचे दिखाइए सेकंड नंबर पार्ट, सेकंड पेज, सेकंड शायद सेकंड पेज है ये, आइटम कैटेगरी का मैं सेकंड पेज पे आइए, नहीं था थर्ड, और नीचे, और नीचे दीजिए, और नीचे लाइए, एक शेड्यूल का पेज है और नीचे कीजिए, ये देखिए शेड्यूल्ड का पेज है, ये आइटम कैटेगरी और वहां का आइटम कैटेगरी आपका मैच करेगा। ये देखो मैम, यस 19 वहां पर भी आपको 19 शेड्यूल्ड मिलेंगे, बराबर। अभी ये डिपेंड भी हो सकता है कि प्रोडक्ट जनरली मुझे लगता है एक भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है कोई, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे समझ रहा हूँ कि एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप के मुझे सभी पार्ट चाहिए अलग अलग, तो मैंने सबका एक पार्ट नंबर डिफाइन किया है, रैम को एक पार्ट नंबर दिया है, उसका एक अलग कैटेगरी बनाया है, हार्ड डिस्क को एक अलग कैटेगरी बनाया है, और फिर कैमरा को एक अलग दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पे सबका पार्ट नंबर दिया हुआ है। पर एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है और डिफिनेशन क्या है ये पूरा का पूरा बायर के पास होना चाहिए था। यहाँ पे एक ड्रॉइंग्स भी प्रोवाइड किया है, शायद आपको सेकंड नंबर पेज पे है, सेकंड नंबर पेज पे जाइए, सेकंड नंबर पेज से कुछ क्लियर हुआ तो हो सकता है आपको। यहाँ पे क्वालिटी, हाँ एक प्लान देखिए इसका है, इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी ये प्रोडक्ट का, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है 100% ये जो टेंडर है पूरा पूरा सेटिंग में, मतलब कोई डिटेल्स इसका हमारे पास नहीं है पूरा डिटेल्स अभी इसका। यदि ये टेंडर आपको भरना ही है yes. तो आपको यहाँ का जो डिपार्टमेंट है आपको डिपार्टमेंट से इसका पूरा डिटेल्स लेना पड़ेगा। okay. ये छोड़ के आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ये जनरली ऐसे टेंडर्स कब निकलते हैं, जब हमको सेटिंग में, अभी मैं यदि एक टेंडर कोई पब्लिश करता हूँ और मैं पता ही नहीं आपको ये टेंडर है किस चीज का, तो आप क्या भरोगे उसमें। तो मेरे पास दो तीन फॉर्म्स है, हम ओहिसी में अपना ही टेंडर भरेंगे और अपना ही काम कर लेंगे। ओके जी, सर इससे और ओईएम पैनल जो बनाते हैं ये दोनों में कोई नहीं नहीं नहीं, 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 वो अलग है ये, इसके साथ उसका कोई। ओके दैट्स इट, क्लियर हुआ मैडम, समझ में आया ना आपको? जी जी क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट और कुछ क्वेरीज है? आरआर आदर्श बोलिए। सम्राट सर, सम्राट हेलो, हाँ बोलिए, हेलो आवाज आ रही है सर जी? आ रही है। हाँ सर जी, अभी मैम ने जो क्यूरी के रेज की थे उसमें अभी अभी डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक्चुअली एटम कोड नंबर तो दिया हुआ है, वहाँ पे एटम कोड नंबर दिया हुआ है पर प्रोडक्ट के पूरे डिटेल्स अवेलेबल नहीं। क्या नहीं समझे? क्या प्रोडक्ट का एक्चुअली पूरा पार्ट, उसका पिक्चर्स, इमेज पूरा डिफाइन नहीं, आइटम खाली कोड है, तो जिनको आइटम कोड के अकॉर्डिंगली पता चलेगा उनको वो टेंडर वो भर पाएंगे। पर किस चीज का है ये आइटम कोड, कंप्यूटर का है ना, इलेक्ट्रिक फिटिंग का है ना, किसका है ये आइटम कोड, ये पता नहीं। एग्जैक्टली एक्चुअली मेरी क्वेरी यही है कि आइटम कैटेगरी जो दिया हुआ है उन्होंने E9518D समथिंग कुछ है, तो हम लोगों का ये आइटम सर्च करना है तो कैसा सर्च करेंगे? ये आइटम नहीं सर्च कर सकते, कैसे सर्च आइटम कैटेगरी? हाँ जी हाँ जी, ये कुछ सर देखो ये आइटम कोड है, आइटम का नाम से आप सर्च कर सकते हो, आइटम के कोड से नहीं कर सकते। ओके, कोई भी आइटम का कोड है उसने आइटम का नाम नहीं डाला, आइटम का कोड डाला है। ओके, अभी आइटम का कोड बता करना तो बड़ा मुश्किल है, और आइटम का कोड किसने डिफाइन किया है
ये OEM ने डिफाइन किया है, तो जो लोग यदि टेंडर के रिलेटेड है तो उनको पता चलेगा, यदि ये बायर ने डिफाइन किया है या मैं एज ए सेलर मैंने डिफाइन किया है तो कैसे पता चलेगा किसी को भी। सही बात है, ये एटम कोड जो है वो जेम डिफाइन नहीं करता है, सेलर नहीं, या नहीं, 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 जो बायर जो टेंडर पब्लिश करता है ना उसके है। मैं आपको ऐसा टेंडर यदि पब्लिश करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर आइडिया होगा। तो मैं आगे कर सकते हैं अभी तो नहीं, वो बायर के पार्ट में कवर होगा, वो मैं आपको ओके कोई इश्यू नहीं है। ऐसे टेंडर निकालते कैसे है मैं आपको ये जनरली बता। ओके ओके मनीष सर। हाँ जी सर, मैं पूछ रहा था कि जैसे जो हमारे टेंडर होते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कमिशनिंग, बराबर। तो हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया वो कराया रीसेलर पैनल में, तो सर हमें जैसे हम AMC भी करते हैं और इंस्टॉलेशन भी करते हैं, क्या हमें सर्विस में भी रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर रीसेलर में ही कर सकते हैं काम? देखो सर, रीसेलर और OEM दोनों में डिफरेंस है। रीसेलर कौन है और OEM कौन है? रीसेलर वो लोग होंगे जो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। मान लीजिए आप एक HP का कंप्यूटर बेचते हो, मैन्युफैक्चरर कौन है? HP। आप उससे लेके आप किसी को डील में फाइनल करते हो, तो आप हो गए रीसेलर। यदि आप कंप्यूटर खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आपका खुद का ब्रांड है, तो आप हो गए OEM। नहीं सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि मतलब मैं रीसेलर भी हूँ, सर्विस प्रोवाइडर भी हूँ, मैं मतलब कैमरे भी बेचता हूँ और इंस्टॉलेशन भी करता हूँ, बराबर है, और उनकी AMC भी लेता हूँ, बराबर है। तो सर हमें जो रजिस्ट्रेशन करना है अपना जैम पे, वो सर रीसेलर में ही हम काम कर सकते हैं, हमें सर्विस में भी करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन? सर्विस में देखो अब डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। यदि प्रोडक्ट में लिखा हुआ है जो आपको इसमें सर्विस भी देना है और प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन भी देना है, तो फिर आपको उसके लिए सर्विस पे जाना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैं CCTV कैमरा की बात करता हूँ, CCTV कैमरा का एक प्रोडक्ट है, पर जब आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो वहां पे लिखा हुआ है साहब ये प्रोडक्ट को यदि आप सेल करते हो तो आपको ये इंस्टॉल करके देना है और आपको 1 साल का वारंटी रहने तक आपको इसका सर्विस भी देना है। तो ये आपका प्रोडक्ट में ही आ गया, आपको इसके लिए सर्विस में नहीं जाना है। अभी आप सर्विसेज में भी आप करना चाहते हो काम, मान लीजिए अभी 1 साल के बाद क्या, 1 साल के बाद उस प्रोडक्ट का क्या होगा, उसके बाद भी डिपार्टमेंट को AMC चाहिए, तो आपको सर्विसेज में CCTV का AMC में जाके आपको वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और फिर उसको जो उसका टेंडर मिलता है तो आपको सर्विसेज में भी आप काम कर पाएंगे। अच्छा, मतलब हमें एक बार जैसे हम AMC लेते हैं, हमें सर्विस में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा? हाँ, सर्विसेज में आप अभी आपके ऊपर है, आपको आगे का सर्विस देना है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना है तो आप करेंगे, नहीं करवाना है आपको लग रहा है कि मैं से प्रोडक्ट में डील करना चाहता हूँ आगे के सर्विसेज में नहीं करवाना चाहता हूँ तो आप मत करवाइए। ओके सर, तो आप बताएंगे ना वो भी सर्विस रजिस्ट्रेशन के लिए? बताऊंगा। ओके सर। RR आदर्श सर बोलिए। सर वो पहले आपको डिस्कशन कर रहा था ना सर, श्रीलक्ष्मी मैडम ने क्वेश्चन पूछा था, उसी में वो स्पेसिफिकेशन में दिया है OEM का नाम दिया है, मैन्युफैक्चरर कौन है, उसको कांटेक्ट किया तो डिटेल्स मिल जाएगा सर? मिल सकता है, अभी वही मैं बोला कि देखो ये स्पेसिफिक में अभी सबसे पहले मैं आपको सबसे पहला मैं आपको ये क्लियर करता हूँ एक चीज समझो, जेम पे आई थिंक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कितने के पास नहीं है, मुझे किस कोई है जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है जेम पे? जी मेरे पास नहीं है। सुजीत जी मेरे पास में भी नहीं है सर, नितिन खंडे पास नहीं है, दो लोग मेरे पास, दो लोग आशीष सागर, तीन लोग हैं जिनको जेम पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, चलो मैं मान लेता हूँ 2-3 लोग 4 लोग 5 लोग हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं, बाकी सबके पास जेम का रजिस्ट्रेशन है। अभी इसमें से जिनके पास रजिस्ट्रेशन है कितने लोगों ने यहाँ पे बीड में पार्टिसिपेट किया या जेम पे डील किया है, कितने लोग है यहाँ? मैंने किया सर। कितने? मैंने भी किया है। मैं अज्यूम करता हूँ कम से कम 10 लोग तो होंगे, 25 में से 10 लोग ऐसे होंगे जिसने जेम पे डील किया है। अभी मुझे वो 10 लोगों में बताओ कि आपने बिना बायर के पहचान के कितने लोगों को टेंडर मिला
या फिर डायरेक्ट ऑर्डर मिला या फिर L1 करके मिला बिना बायर के पहचान का। सब पहचान वाले नहीं, कितने मैंने पूछा बिना पहचान वाले, बिना बायर के पहचान वाले बताओ। ट्राई कर रहा हूँ सर, अभी तक ऑर्डर नहीं मिला सर। हमने एक्चुअली क्या कम कर दिया था तो अपने आप ऑर्डर आ गया था। ओके हाँ, अभी वो आपका रेयर केस है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी तक यदि मेरी बात करता हूँ तो मैंने अभी तक शायद जेम का, सिर्फ जेम की यदि बात करूंगा तो मेरे पास जेम के 6,000 से 6,500 स्टूडेंट तो हो गए, 6,000 तो पार हो चुके थे अप्रैल में। अब उसके बाद अभी का डेट आ चुका है, 6,000 में यदि 6,000 स्टूडेंट में मैं एज्यूम करता हूँ कि 3,000 स्टूडेंट लोगों ने यहाँ पे बीड में जेम पे काम कर, तो 3,000 में 100 लोगों को भी बिना कोई सेटिंग का टेंडर नहीं मिला, या डायरेक्ट परचेज में मिला है या L1 मिला है। मतलब एज्यूम 95% यहाँ पे सेटिंग पे काम होता है। Exactly. हो गया। अभी इसके यहीं पर आपको समझ में आया, समझो चीज को। अभी टेंडर, अभी वो टेंडर की बात करता हूँ मैडम का, पहले ये क्लियर करना क्यों जरूरी था वो भी आपको वहां पे समझ में। अभी वो जो टेंडर निकला है, वो टेंडर आपको लगता है कि वो टेंडर बिना सेटिंग का निकला होगा? चलो एज्यूम करता हूँ 5% चांसेस है कि नहीं निकला होगा। यदि नहीं निकला होता सेटिंग का, तो वो पूरा डिटेल्स उसको देने में प्रॉब्लम क्या है? इससे जब वो पूरा डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर रहा है, सिर्फ कोड शेयर कर रहा है, ताकि वो जानना चाहता है कि विदाउट कोड आप टेंडर में पार्टिसिपेट ना ले पाओ। और जब आपको कोड से ऑथेंटिकेट किया है, आप यदि कोई बायर को भी करेंगे, मतलब OEM को करेंगे, 100% है कि वो सेलर का भी OEM के साथ 100% रिलेटेड है। करेंगे भी तो वो बायर को इंटीमेट होगा या फिर आपको उसके लिए मिलेगा। हाँ, और इनकेस यदि वो सेटिंग में नहीं है और आप बायर से कांटेक्ट करते हैं और आपको मिल जाए तो आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर लो इजीली। समझ में आया क्या पार्ट, मेरा बताने का मोटो क्या था? समझ आ गया। इसलिए इसके लिए मत जाओ, सेटिंग जरूरी है। यहाँ पे मेन चीज देखो, यहाँ पे मैं दोनों चीज को कवर करूंगा कि आपको सेटिंग पे काम उठाना कैसा है और आपको नॉर्मल वे पे काम कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, और आपको सेटिंग करके काम कैसे लेना है वो भी मैं बताऊंगा। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, तो ये हमारा था अभी तक सेलर का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बायर के ऊपर। बायर की जरी बात, सॉरी हाँ, बायर की बात करेंगे। तो बायर में हम क्या क्या करेंगे? बायर का रजिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पे मैं बायर का पूरा पार्ट कवर नहीं करता, जितना सेलर का पार्ट है उससे भी ज्यादा बड़ा पार्ट है बायर, सेलर से भी बड़ा पार्ट है बायर। तो हमारा 3 दिन ट्रेनिंग सेलर का रहेगा, 1 दिन ट्रेनिंग बायर का रहेगा। तो सोचो मैं 1 दिन ट्रेनिंग यदि बायर का लेता हूं तो मैं कितना पार्ट कवर करूंगा बायर? तो इतना मैं जरूर पार्ट आपका कवर कर दूंगा जितना पार्ट आपको एज ए सेलर चाहिए। एज ए सेलर आपको बायर का जो भी पार्ट चाहिए उतना आपको मैं कवर कर दूंगा। क्या क्या चाहिए होता है? बायर का रजिस्ट्रेशन, यदि कोई बायर आपके पहचान में, उनका रजिस्ट्रेशन करवा के देना है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करवा के देंगे? ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करेंगे, बायर का ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करेंगे, कोई यूजर कैसे बनाएंगे, ईमेल आईडी के लिए रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, और ये रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट परचेज कैसे होगा, डायरेक्ट परचेज का प्रोसेस क्या है, L1 का प्रोसेस क्या है, और बीड कैसे बनाते हैं, जितने बीड यहां भरेंगे उतने बीड का तरीका कैसे बनाने का प्रोसेस कैसा है, इंक्लूडिंग सेटिंग कैसे करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। इतना पार्ट हमारा बायर में रहेगा। क्लियर है? हाँ सुजीत सर बोलो, कुछ डाउट सर? सर ये कह रहा था कि मैं तो मतलब मुझे बायर की ट्रेनिंग ही मैक्सिमम चाहिए क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज से हूँ और मुझे प्रोडक्ट परचेज ही करने हैं, तो अगर एक दिन में कुछ सर, कम वही मैं बोला एज ए सेलर बायर का जो भी चीजें लगती है वो यहाँ पे कवर होगा। क्या क्या? रजिस्ट्रेशन से लेके डायरेक्ट परचेज, L1 परचेज और बीड बनाना। बीड के बाद का प्रोसेस यहाँ पे कवर नहीं होगा, जैसे कि CRC,
बिल इनवॉइस जनरेट करना, ऑर्डर एक्सेप्ट करना, ये सब कवर नहीं होगा। रेटिंग प्रोवाइड करना, ये सब जो चीजें हैं वो कवर नहीं होगा। बाकी जो मेजर चीजें हैं वो आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। हाँ, उसके नोट्स आपको जरूर मिलेंगे, हर एक के नोट्स आपको मिलेंगे, पर कवर एक बेसिक लेवल पे ही बायर का हो पाएगा। जितना सेलर को लगता है, सेलर को जितना लगता है उतना पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, क्लियर है? और किसी को कुछ डाउट्स है तो बताओ। चलो, तो फिर मैं एक एक पार्ट को कवर करता हूँ। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अभी हम